الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خادم حضرات، مسلسل گلے کی خرابی کی وجہ سے جب میں نے اپنے محترم کی تقریر سنی، مجھے آسان لگا کہ میں چپکے سے یہاں سے چلا جاؤں اور باقی بھی اتنی خوبصورت باتیں انہی کرنے لوں. مگر خادم حضرات، مجھے مڈل ایجز کی ایک شاعرہ تھی جس کے مذہب سے تو مجھے کوئی تعرض نہیں، وہ پتہ نہیں کس مذہب سے تعلق رکھتی تھیں اور کس صحت سے بات کرتی تھیں، مگر ایک شعر ان کا بڑا ہی عجیب و غریب ہے. بجواب طبل الست تو زد لا چوکا اسے بلا زدم،
कि जब तुमने तबले अलस्त पे चोट मारी और पुकार के पूछा अलस्तो बे रब्बे कुम, तो मैं ही नादान था कि मैं बला कह गया। अगर उस वक्त थोड़ी सी गफलत हो जाती, थोड़ी सी मेमोरी खराब हो जाती, थोड़ा सा उजर पेश कर देता तो शायद जान बच जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं। जब परवरदिगार आलम ने अरवाह आलम को इकट्ठा किया और पूछा अलस्तो बे रब्बेकुम, क्या अपने रब को पहचानते हो, कालू बला, तो सब ने कहा हाँ जी, ये कौन सी मुश्किल बात है, हम कायनात के रब को ना पहचानेंगे, हम अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचानेंगे। तो खादिन हजरात, उसका अगला मिसरा जो है ये शायद इस सवाल का पहला जवाब है। हमा खैमा जद बदरे दिलम सिपहे गमो खशमो बला, कि जब तुमने ये पूछा कि मैं हूं और मैंने जवाब दिया कि तू है, इसके बाद मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। तब से लेकर अब तक हमा खैमा जद बदरे दिलम, मेरे दिल के दरवाजे पे खैमे डाल दिए, सिपहे गमों खशमों बला, गम ने गुस्से ने बलाओं ने मेरे दिल पे तब से दरवाजे डाल दिए हैं जब से मैंने उसको अपना रब मान। कुछ 200 बरस की बात है खादिन हजरात, कहते हैं जब वो बड़ी शख्सियत पैदा हो जाए ना तो उसका एक दबाव होता है, छोटों को पैदा ही नहीं होने देता, बराबर को तख्लीक ही नहीं होने देता। तो जैसे अल्लामा इकबाल आए ना तो पता लगा कि अब 200 बरस इस उर्दू शायरी में कोई अच्छा शायर पैदा होने का नहीं है। मौजू बुलंद, ख्याल बुलंद, पता नहीं कहाँ से कहाँ हस्ती है इंसान को ले गए। इसी तरह अंग्रेजी में भी एक शायर हुआ जॉन मिल्टन, उसने एक बहुत लंबी नज़म लिखी जिसका तर्जमा है फिरदौस गुम गश्ता, पैराडाइज लॉस्ट। उसका तर्जमा इत्तेफाक से मैंने भी एक दफ़ा जोश खरोश में शुरू किया, मगर इस वक्त का कंसर्न ये है, वही जो बात कुरतुल ऐन ताहिरा ने की उस शेर में, वो भी यही कह रहे हैं, ऑफ मैनज फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death unto the world and all our woes, ke awwal awwal wo khata e insaan shajre mamnua ki fani lazzat, baise e hama ranjo kulfat, यानी उस लज्जत ने जो जिसने इंसान को एक अबदी हलाकत पेश कर दी, और उसका बायस भी कोई दूर नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर हवा ने आदम के खिलाफ वर्जी ना की होती तो आज उसको ये रहम के दर्द न उठाने पड़ते। एक कायनाती मखलूक बनने की खातिर, एक इटर्नल इंसान बनने की खातिर, वो उस वक्त बेचारा इर्द गिर्द ऐसे माहौल में था जहां जिंदगियां 60-70 बरस की नहीं थी, जहां एक लंबी इटर्निटीज थी, मिलियंस एंड ट्रिलियन ईयर्स की जिंदगियां थी, और किसी ने अम्मा हवा को बहका दिया। हमारा दुश्मन तो एक ही है कि ये शजर इसलिए मना किया गया कि अगर इसका फल खाओगे तो तुम्हारी औलाद को इटर्नल लाइफ मिल जाएगी। माँ को बच्चों का कितना ख्याल था, खामद को भी ले डूबी साथ, उन्होंने भी खा लिया, इन्होंने दोस्ती और मुरव्वत में खा लिया, दोनों गए। तो कहता है कि इटर्नल लाइफ जो है, हमें दरे फिरदौस पे आदम के लिए मोहर खरूज, कि जब हमें जन्नत से हुक्म खरूज मिल गया, इसके साथ ही हमें तमाम जिंदगी के गम व आलाम भी साथ अल्लाह ने बख्श लिए। खादिम हजरात, इकबाल ने भी यही कहा,
और आज के इंसान का नहीं, बल्कि जब से इंसान आया है आज ही का इंसान है। गमो बला और वहशत में ना कोई इंसान पुराना है ना नया है, सारे आज के इंसान हैं। जो अलमीय पहलों ने भुगते हम भी भुगत रहे हैं। हाँ एक बात जरूर थी, कहते हैं तारीख अपनी खताएं दोहराती नहीं है मगर इंसान दोहराता है। आज तक किसी इंसान ने तारीख से सबक नहीं सीखा। जो गलतियां पुराने कर गए आज भी वही हो रहे। वो क्राइम जो स्पार्टा और एथेंस में एग्जिस्ट करते थे 3,500 साल पहले, जो जराइम मौजूद थे आज भी वही मौजूद हैं। आज भी कौमें उन्हीं गुनाहों की वजह से तबाह हो रही हैं जिनकी वजह से आदो समूद तबाह हुए थे। आज भी अगर यूरोप को देखो, खादिम हजरत एक देखा हुआ वाक्या, मैं जब स्पेन में स्पीच के लिए गया तो मेरे अहबाब जो थे वो साहिल समंदर की सैर को गए, तो वापसी पर कुछ हवा हवा से थे, अजीब परेशानी का आलम था। तो मैंने पूछा खैर है, तो कहने लगे साहिल समंदर में कोई भी औरत, कोई बच्चा, कोई लड़की, कोई मर्द भी लिबास पहने हुए नहीं था। उनकी ये बात सुनकर मुझे अजीब सा ख्याल आया। एक तो होते हैं लिटरेट एक्सपीरियंसेस, एक होते हैं इंस्टिंक्टिव एक्सपीरियंसेस। जब जबिली अकदार में अल्लाह ने कुछ हमें दिया है, दो बड़ी चीजें दी हैं। आपको याद होगा कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने और उनकी रोजाए मोहतरमा ने और हमारी वालिदा गिरामी मर्तबत ने जब वो फल खाया तो सबसे पहली चीज हया पैदा हुई, और उन्होंने जन्नत के अपने पत्तों से अपने आप को ढांपना शुरू कर दिया। नहीं सोच रहा था खातिन हजार, अभी इल्म नहीं आया था, इल्म उतरा ही नहीं था, मगर कितनी जल्दी जमाने से हया रुखसत हो गई है कि ना मर्द में है, ना औरत में है, ना बीवी में है, ना बच्चों में है। और इमेजिन कि आप फिर भी कहते हो कि हमारे हाथ से क्यों खुशियां छिन गईं, यानी सबसे पहली इंस्टिंक्ट जो नस्ले इंसान में पैदा हुई वो हया थी, इल्म नहीं था। अस खुद खुदावंद करीम ने दो चीजें जो हैं, एक और वाक्य आपको सुनाऊं। यूरोप में तजर्बा हो रहा था, कैपुचिन मनकी पे तजर्बा हो रहा था। हमारा कजिन है ये कैपुचिन मनकी, बायोलॉजिकली हमारा कजिन है। वैसे मैं आपको थोड़ी सी बात वाजे कर दूं, लोग बड़ा इतराज करते हैं इंसान को अल्लाह ने जन्नत से नहीं उतारा। कुरान में कहता है अम्बत नाफिल अर्द, जमीन पे उगाया है, रूह आदम को उतारा है, आदम नहीं उतारा। देखो वहां तीन मखलूकात थी, जिन्नात थे, मलाइका थे, हम थे। अब उन मखलूकात ने जमीन पे ठहरना नहीं था, जिन आया गया बहुत देर हुई ना, तो उसने अपनी मेटिंग के लिए जमीन पे आना होता है। जिन वैसे नहीं आके ठहरता, कॉलोनीज उसकी वीरानों में हैं जहाँ किसी शय की गुजर ना हो ताकि वो अरवाही वजूद में एग्जिस्ट कर सके। मगर दरअसल जब उसको मेटिंग का सीजन आता है तो उसको कोई ना कोई वजूद इख्तियार करना पड़ता, उसका अपना वजूद नहीं होता। कभी वो सांप में मुतशक्कल होता है, कभी बिच्छू की शक्ल में आता है, और कभी छपकलियों की सूरत में वो आके मेटिंग करते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। फरिश्ते भी इंसानों की शक्ल में आते हैं, ये सब ट्रांसफार्मर्स हैं। फरिश्ते हजरत वाहिया कल्बी की शक्ल में हुजूर के पास आया करते थे, आपको याद होगा, मुतअद्दद हदीसें इस पे गवाह हैं। इसके अलावा भी मलाइका बहुत सारी सूरतों में जमीन पे, हजरत इस्काइल पे आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास तो उनका आना जाना जारी रहता था, और तमाम मलाइका मुकद्दसीन जो हैं वो पैगंबरों के पास आते मगर ठहरते नहीं थे, वो एक किसी पायदार वजूद के हामिल नहीं थे। आदम भी उन्हीं अरवा में से था मगर उसको ज़मीन पे ठहरना था, कायम करना था। फिर अल्लाह ने
एक बिलियन ईयर से जमीन के बनने के बाद एक बिलियन ईयर से उसके वजूद की तख्लीक शुरू कर दी थी। इसीलिए कुरान हकीम में अल्लाह कहता है कि अम्बत नफिल अर्द, मैंने उगाया तुम्हें जमीन से है, और हौले हौले इसे प्रोग्रेस देता हुआ। आज से 80 करोड़ साल पहले पहली दफा हमें इंसान की मिलती जुलती शक्ल जमीन पर नजर आती है। इसको हम प्राइमेट्स कहते हैं। द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स डिस्कवर्ड 88 करोड़ ईयर्स बिफोर, और उनको हम प्राइमेट्स कहते हैं। रफ्ता रफ्ता शक्लें बदलती हुई, बढ़ती हुई, तरक्की पाते हुए हम उस स्टेज पे आए जब दो शक्लें बाकी रह गई। एक को होमो सेपियन नियंडरथल कहते हैं, एक को आप जैसे जैसे आपको होमो सेपियंस कहते हैं, सोचने वाले इंसान। मगर मजे की बात यह कि होमो सेपियन नियंडरथल का दिमाग आपसे बड़ा था, आपका दिमाग निस्बतन छोटा था। तो मसला पैदा हो गया कि आखिर वो क्यों तबाह कर दिए गए जिनका दिमाग बड़ा था। खातिनो हजरात, जिन पे जबिल्लतें रसाई कर जाएं, जब अकल से अकल जो है जबिल्लत को काबू में रखती है, मगर जब कोई आपकी जबिल्लत अकल पर सवार हो जाए तो फिर किसी तौर भी जिंदगी बचने का और इखलाकियात बचने का अम्कान नहीं पैदा होता। तो हुआ ये था कि एंडरथल इसके बावजूद के हमारे से बड़े थे उनके देन, मगर वो आदम खोर थे और उनमें एक ऐसी आदत पड़ गई थी कि वो अपने ही बीवी बच्चों को खाना शुरू हो गए। तो अल्लाह ने उन्हें टोटली एलिमिनेट करके होमोसेपियन रहने दिया जो हम और आप जिनके आबा व अजदाद। तो खातिन हजरात, जन्नत के इस तवील तर अफसाने से जब आदमी यहाँ के टिका है तो इकबाल तो कहता है ना कि बाग बहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, अल्लाह से गिला कर रहे ना कि बाग बहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। वो तो उल्टा अल्लाह पे दबाव डाल रहा है कि मेरा इंतजार कर, मैं जल्दी आने का नहीं हूं, मैं अब इस दुनिया में रहूंगा। मगर दुनिया में रहने के अंदाज नहीं थे इंसान पहले दिन से लेकर हाबील को काबिल ने कत्ल कर दिया जबिल्लत की वजह से, बजाय इसके कि वो अपने भाई को माफ कर दिया उसने कत्ल कर दिया। ठीक कह के गए हैं वो, अलमिया हमारी जातों से शुरू हुआ, हम ही ने इस जबर कदर में जबर की सूरत इख्तियार की, हमने ही अपनी बेबसी की वजह से अपनी जबिल्लतों को अपनी अखलाकी हालतों पे मंजलत दे दी, कदर दे दी, और जो हमारी कदर थी वो मुअत्तल हो गई। हजम हजा आखिर क्या वजह हो सकती है, इंसान क्या भूल गया होगा। देखिए, इंसान को बना के उसने चार दवायर में इंसानी जिंदगी बांटी, फिर इंसानी जिंदगी का मकसद मुतय्यन किया। हलता अलल इंसान ही नुमना दहर लम यकुन शय मस्कुरा। सुनो, तुम तो पहले अर्स हार्स करनहा कर्न जमाने में ऐसे रहे हो कि कोई काबिल जिक्र शय ना थे। क्या थे? बड़ी देर की बात है, विल डोरा ने अपने सच में लिखा कि बुनियादी इंसान इतना कमजोर और नाशनाक्स था कि किसी काई के टुकड़े में छुपा बैठा था। एक बहुत मुस्तकिल बात यह है कि जब से इंसान बना उसने कभी भी वो जवाबी कार्रवाई इख्तियार ना कर सका, तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स केप्ट ऑन डाइंग, मरते रहे बेशुमार अनगिनत सदियों से बर ये इंसान मरता रहा। हत्ता के एक बहुत बड़ा वाक्या पेश आया, नजूल अकल के बाद, नजूल आदम के बाद, ये दो वाक्य हैं कि कब अकल आई। एक शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी कहते हैं कि इंसान बना के अल्लाह उस पर नजर करता रहा 50,000 साल नजर करता रहा, फिर नागहां उस पर तजल्ली फरमाई
और वो एक सोचता हुआ इंसान था, यानी उस वजूद पे जो बनता चला आ रहा था सदियों से, अकल से खाली था। फिर अल्लाह ताला ने रूह आदम को उस माथे पे आश्कार किया। आपको याद है एक पुरानी बात आप सुना करते थे कि जब आदम ने आंख खोली, मलाइका को देखा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और मलाइका ने यरहमकुमुल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की ये वो पहली रूह की बात थी जो जिसम आदम में ढलने के बाद उसने की। बाज पुरानी दास्तानें खाली दास्तानें नहीं होती। यही वो कह रहा है वेलडोरा भी कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर द फोर्थ आइस एज वन मैन गॉट लाइफ, जस्ट वन मैन, एंड देन सडनली ए वेरी हैवी चार्ज केम फ्रॉम द स्काइज एंड फेल ऑन हिज फोरहेड एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग। दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि वजूद बना पड़ा था, वो जिसे अल्लाह कहता है जमीन से मैंने उगाया, उसे मुकम्मल किया, वो मुकम्मल हो चुका था, ऊपर से फोर्थ आइस एज आ गई। खातिर हजरात, जिसे हम आइस एज कहते हैं, ये कोई इंच दो इंच बर्फ नहीं पड़ती, 14-14, 15-15 मील बर्फ पड़ती है जमीन पर। इतनी बर्फ पड़ी थी कि तमाम हयात नापैद हो गई। जैसे किस्सा नूह में एक एक जानवर बचा, फोर्थ आइस एज के बाद भी एक आदमी बचा, ये जो आपके बुजुर्गों में था, जिसको आप आदम अलैहिस्सलाम के नाम से बाद में जानते हो, मगर इस आदमी के पास, इसको इंसान कहा है अल्लाह ने, आदम नहीं कहा। हल अता अलल इंसान ही नुम्मिना दहर लम यकुन शय मस्कूरा, कि ये इंसान था, ये जबिलतों का इज्तमा एक वजूद था, कभी होमो हैबाइलस था, कभी होमो इरेक्टस था, आखिर में जब इंसान पे माथे पे रूह इंसान चमकी तो ये आदम कहलाया। दिस वॉज द फर्स्ट ग्रैंड 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 फादर ऑफ ह्यूमंस। फिर उसके बतन से, आपको एक और अजीब बात बताऊं कि पहले आदम के वजूद में मर्द और औरत यकसां थे, बाइसेक्सुअल था, हर्माफ्रोडाइट था। अभी भी मुझे एक इत्तफाक हुआ डॉक्टर अब्दरहमान की एक फाइल देखने का, ही हैड कलेक्टेड एटलीस्ट 2 मेल्स जिनके अंदर पूरा का पूरा औरतों का सिस्टम मौजूद था। इनिशियली द मैन वॉज क्रिएटेड सो कि उसके अंदर ही पूरे के पूरे निज़ाम थे, वो अपनी ज़ात में मुकम्मल था। फिर उसने अपनी ज़ात को फर्टिलाइज किया, ये कोई हैरान कन वाक़ नहीं, आज भी डॉल्फिन सेल्फ फर्टिलाइज होती है, मछली जो है उसने अपने आप को फर्टिलाइज किया, फिर उसमें से हवा तख्लीक हुई। फिर जैसे आज भी आप कहते हो वजूद जन से है तख्लीक कायनात में रंग, मगर ये रंग आप ही ने तख्लीक किया, जहमत है तो आपकी है ना परेशानी की वजह, जहमत है तो आपकी, रहमत है तो आपकी, आपसे बाहर सिला नहीं गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला खुदा वंदे करीम ने कुरान में भी कहा कि नफ्स वाहिद से हमने जिंदगी को तख्लीक किया। सो ना आप औरत से बढ़कर ना औरत आपसे बढ़कर, हाँ एक फर्क पड़ जाता है बर्तरी का, अगर वो फर्क पता लग जाए तो बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती। खुदा ने कहा कि हमने दर्जा जरूर दिया है मर्द को, और एक वले रिजाले अलैहिन्ना दराजा, एक दर्जा दिया मगर नीचे वजह लिख दिया उसकी, नीचे लिखा इसलिए कि ये खानदान पालता है, मेहनत करता है। पुराने जमाने में भी ऐसे ही था, जब शुरू में मर्द औरत पैदा हुए तो उनमें एक मुआहदा ठहरा, वायदा ये ठहरा कि सवाए इंसान के बच्चे के कोई भी बच्चा जो है माँ बाप की केयर नहीं चाहता। ज्यादा ज्यादा 5 मिनट चाटेगी माँ किसी को, शाम का बच्चा निकला सरसराता हुआ कहीं से कहीं चला गया,
बकरी का बच्चा जो ही चार टांगों पे आप 5, 10, 15, 20 मिनट लगते होंगे, और क्या चाहता होगा, मगर इंसान का बच्चा नहीं बगैर माँ बाप के पल सकता। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो नौजायदा बगैर माँ बाप के पले। इसकी मुद्दत नश्व नुमा ज्यादा है, इसका दौरान परवरिश ज्यादा है, इसलिए दोनों साइडों को आपस में एक मुआहदा करना पड़ा। एक औरत और एक मर्द ने आपस में ये मुआहदा किया जो सदियों तक मुहित रहा कि देखो मैं इसकी बाहर से केयर करता हूँ, मैं तुम्हें चार दीवारी बना देता हूँ, मैं खानों का बंदोबस्त करता हूँ, एंड ही नीड्स यू सो यू स्टे इनसाइड आई स्टे आउटसाइड। खादिम हजरात, सिर्फ आज के ज़माने में ये मुआहदा टूटता नज़र आता है। बड़ी वजाहत से कुछ तरक्की याफ्ता खातून जो हैं कह रही हैं मर्दों, या तुम घर बैठो चूल्हा शूल्हा गर्म रखो, हांडी रोटी खा लेना, हम जरा नौकरी करके आते हैं। खादिम हजरात, ये मुआहदा टूटता नज़र आता है इस ज़माने में। वैसे भी लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ रही हैं, इसमें अब और किसी का क्या कसूर हो सकता है। तो खादिम हजरात, जब ये सारे ज़माने शुरू हुए तो मसला ये है कि हमारी कौन सी ऐसी अजली परेशानियाँ थी, कब से इंसान क्यों परेशान था, हवस इक़्तदार के अलावा कत्ल गारत क्या चीज़ें कितनी थी जिन पे कत्ल गारत होती। अब खुद सोचो, मोंगे के दो हार, थोड़ी सी ज़मीन जहाँ पानी मिलता हो, कोई समंदर का किनारा जहाँ आबादी मुमकिन हो, और देखिए आप दुनिया में सबसे पहले आसानी कौन सी आई, परेशानी परेशानी थी, आसानी कौन सी आई है, एक पहिया, सिर्फ एक पहिया। एक पहिया जो है ये, जैसे आज का अगर आपको कहना कि 5,000 मील फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला दें, या 22,000 मील फी घंटा की रफ्तार से कोई जहाज चला दो, इसी तरह की आसानी उस जमाने में पहिए की। पहिए का निशान खातिन हजरात पुरानी तहजीबात में, जिसे आज आप तोए की तरह लिखते हो, ये पहिए का निशान। पुराने जमाने में जब किसी को बताना हो ना यहाँ से पहिया गुजरा है, तो उसको तोए लिखते थे, तोए। और हा का निशान जो है ना, वो एक आदमी का था जो खुले हाथ खड़ा है। इस पे गुमान है पुराने तमाम असातीर के जानने वाले कि इसका मुराद है लीडर, इससे मुराद है एक ऐसा लीडर जो खुले हाथ खड़ा है और लोगों को पुकार है कि आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें आसानी दिखाता हूँ। आपने सूरत पढ़ी होगी ताहा, ताहा वही चीज़ है कि जैसे एक बड़ा लीडर कदीमी सिविलाइजेशन को बुलाता है कि परेशान ना हो, वो तुम्हारी मत मारी गई है, तुम जोहलाए मुतलक हो गए हो, तुम किन चीज़ों में खो गए हो, आओ मैं तुम्हारा बोझ उठाता हूँ, मैंने पहिया दरियाफ्त कर लिया। तो जैसे उस ज़माने में लीडर आपको पहिए की आसानी दिखा रहे थे, मोहम्मद रसूलल्लाह ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्का, क्या सरदार हमने तुम्हें मशक्क़त के लिए नहीं भेजा, लोगों की मशक्क़त के लिए नहीं भेजा, आओ और आसानियों की तरफ आए। खातिन हजरात, कुरान आसान, नमाज आसान। आपको पता है शरा का क्या मतलब है, वैसे तो तमाम उलमा हजरात इसे बयान करते हैं, मगर किसी ने शरा का डिक्शनरी मतलब तो नहीं ना बताया आपको। शरा का डिक्शनरी मतलब ये है, कम से कम ज्यादे राह जिसे लेकर आप मंजिल तक पहुंच सको, ये है शरा का मतलब। ट्रेवल लाइट व्हेन यू मस्ट, ये शरा का मतलब है कि इस दुश्वार गुजार रस्ते से, इस खारजार हयात से अगर तुमने सलामत गुजरना है, तो थोड़ी सी ये आसान तरीन पैकेज है। अलकर बड़े बातें करते हैं ना, जब कौम फंस जाए कहते हैं जी कुछ सेफ पैकेज, इस ज़मीन से बड़ी दुश्वार मंजिल कौन सी हो सकती है, इस हयात आरसी से बढ़कर कौन सा पैटर्न आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है,
यहां इटर्नल लाइफ जा रही है। इस जिंदगी में आपके यहां 60-70 साल की जिंदगी जाती है। एक तरफ इटर्नल लाइफ जा रही है, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी लाइफ जा रही है। कितनी बड़ी कायनात है वो। मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि मेरे दोस्तों, जन्नत की हवस छोड़ दो। बहुत सारे हम में से इस काबिल ही नहीं जन्नत को क्वालिफाई कर। छोटे लेवल पे आ जाओ जरा। ये साध खड़ी है एक गैलेक्सी एंड्रोमेडा, इसमें 1 खरब सितारा है। कोई अल्लाह को लेसर पे मना लेते हैं कि छोड़ो उधर को, जन्नत तो बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती है, बहुत आला है। हम तो वो मसाइब दे के निकलेंगे अगर हम एंड्रोमेडा में ही 6-6, 7-7 सितारे मिल जाए तो क्या हर्ज है, कोई अमल मकबूल आम हो जाए। तो खादिरों हजरात, ये परेशानियां एक्चुअली है नहीं। हाँ, उस शख्स के लिए परेशानी है जिसने एक जाली चीज ढूंढी दुनिया में। वो जाली चीज आपको पता क्या है? खुशियां। असल में ये जालसाजी है। आप इसलिए भेजे ही नहीं गए। दिस इज नॉट द टास्क बिफोर यू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अब दुनिया सिजनुल मोमिन है कि नहीं, कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है। भला कैद खाने में कौन परवाह करता है आराम की। लो सुनी गई हमारी, लो सुनी गई हमारी, यूं फिरे हैं दिन के फिर से, वही गोशाए कफस है, वही फसल गुल का मातम है ना। वही बात, कितनी खुशियां चाहोगे? खुशी तो एक वक्फा है, आरजी है। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने दोजख के बारे में कहा कि मैं किसी जान को अजाब का आदि नहीं होने दूंगा। दोजख के बारे में अल्लाह ने कहा, मैं किसी बदबخت को आदि नहीं होने दूंगा अजाब का, जब उसकी जिल्द गल सड़ जाएगी मैं दूसरी जिल्द दे दूंगा, मैं ताजा जिल्द दूंगा जिस पे अजाब ताजा महसूस करेगा। खातिम हजरात, वैसे ये हमारे लिए नहीं है। मैं ज्यादा जहन्नुम को कोट नहीं करना चाहता, डर के मारे नहीं, ये हमारे लिए है ही नहीं। रब्बे काबा की कसम है कि किसी मुसलमान के लिए जहन्नुम नहीं। भाई आप सुनो ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं में टांगे बिछाए बैठे थे और ऊपर से आ गए माज़ बिन जबल, ऊपर से आ गए अबू सईद खुदरी। अबू से ये कोई छोटे छोटे लोग तो नहीं है। अजमत रसूल को तो आप पा नहीं सकते हो, मगर ये हमारे वो लोग हैं जिनकी अजमतों से हम जितना भी हम कलाम हो हमें अपना लहजा पस्त लगता है। तो फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसने दिल से एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया उस पे नारे दोजख हराम कर दी। तो साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह चाहे उसने गुनाह कबीरा किए हो? खामोश रहे। साहबी तो नहीं जान छोड़ते थे, ऐसा फंडामेंटल एडवांटेज मिल रहा हो तो क्यों छोड़ेंगे जी। फिर पूछा, या रसूलल्लाह चाहे गुनाह कबीरा किए? फिर खामोश रहे। जब तीसरी मरतबा साहबी ने रिपीट किया, कहा तेरी नाक कालूद हो चाहे उसने किए। इसके बाद आप मुझे बताओ, कभी दिल से एक मरतबा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है? मीरास में आई है उन्हें मसनद इरशाद, बुजुर्गों से सुना है कोई अल्लाह होता था। इकबाल ने मिसरा लिखा, सुना है आलम बाला में कोई कीमिया घर था, सफा थी जिसके खाके पाकी बढ़कर सागर जम से। सब सुना, अल्लाह होगा, अल्लाह है, और किसी दिल में अल्लाह का हकीकी तस्वर आया? अगर आया तो क्या हुआ? वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। कभी ऐसा हुआ कि आपकी आंख से एक गरीब दयार इंसान को क्या याद आता होगा? वो कहता है, कसक सी है जो सीने में,
गमे मंजिल न बन जाए, कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को। इकबाल कहता है कि कभी यार जन्नत याद आई, और जन्नत क्यों याद आएगी, क्यों, कभी तुम्हें रब्बे कायनात याद आया, किस आराम से रखा हुआ था, किस लाड से रखा हुआ था, किस प्यार से। आपका ख्याल ये है कि आप जन्नत को भूल जाओगे, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। अब आपको जन्नत कमानी पड़ रही है, पहले जो आपको मुफ्त दी गई, आपको जो आसान दी गई, अब आपको जन्नत थोड़ी सी कमानी पड़ेगी। वैसे अल्लाह मियां वार्न करता है, तुम्हें मैंने बहुत सस्ती दे दी है, तुम्हें मैंने बहुत सस्ती दे दी एक ला इलाहा इल्लल्लाह के कहने पर, वरना अम हसिब तुम अंतदखुल जन्नता वलम्मा जातेकुम मसलुल लजीना खलौ मिन कबलकुम मस्सतहुमुल बासा वज़्ज़रा वज़ुलज़लू हत्ता यकूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मता नसरल्लाह अला इन्ना नसरल्लाह करीब। और तुम तो बड़ी आसानी से जन्नत मांगते हो ना, मगर उन कौमों को देखो जिनको आरों पे चढ़ा दिया गया, जिनका एक एक जुज्व बदन काटा गया, जिनको इज्तमाई तौर में असहाब लखदूद को आंख में आग में फेंक दिया गया, उन लोगों की सख्तियां तुम पे तो नहीं आई। तुमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने कहा चलो मुल्क ले लो, ये है ना। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, पाकिस्तान। तुम्हें तो इस लाड से रखा हल्की सी आरजू की तुम्हें पाकिस्तान है, तुमने वो पाकिस्तान का असर किया ना कि कलमा ही खराब कर लिया आपने, ये पाकिस्तान से किया ना तुम लोगों ने। इज्जत और बरकत के एक मकाम पर जन्नत के एक टुकड़े को तुमने खराब किया पाकिस्तान। पिछले दिनों एक यूरोपीय खातून का ना ट्रेवल मेनिया आ रहा था, तो उसने कहा मैं कसम खा के कहती हूँ कि सारी दुनिया में घूमी हूँ, पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क मैंने नहीं देखा, पाकिस्तान जैसे उसने बदसूरत शख्स भी नहीं देखे होंगे। हमने क्या दिया इस मुल्क को, हमने इस मुल्क को क्या दिया। परेशान तो तुम इसलिए हो, तुमने हकदार का हक नहीं अदा किया, तुमने कायदे आजम का हक अदा नहीं किया, तुमने ईमान का हक अदा नहीं किया, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही नहीं अदा किया, इसलिए परेशान है हम। वरना आज भी तो बी वेरी फ्रैंक आई एम टेलिंग यू कि पाकिस्तान आज भी दुनिया की मुअज्ज़ज़ तरीन कौमों में शामिल होने। बी केयरफुल। अल्लाह मियां कुरान में एक बात कहता है वकम अहलकना मिन करियतकुम, मैंने वकम मिन अहलकना मिन करियतिन बतिरत मईशतहा, कि मैंने आज तक वो कौम तबाह ही नहीं की जब तक वो मईशत पर नहीं इतरा रहे होते। यकीन करो आप पर वो वक्त आ रहा है जब आप अपनी मईशत पे इतराओगे, जब आपके नाज उठाए जाएंगे, जब आपकी करेंसी की वैल्यू होगी, जब आपका पासपोर्ट भी मुल्कों की वैल्यू पे बिकेगा, वो वक्त आगे आ रहा है। 90 ममालिक आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, मगर देखो गुर्बत में अल्लाह सजा नहीं देता। मैंने अभी बताया ना आपको कि मैं गुर्बत में नहीं सजा देता, भूखे नंगे को क्या मारना, उसका कौन सा ईमान होता है। अब आसानी आ रही है ना, अब तुम्हारे नाज नखरे बढ़ेंगे कि ये देखना रहता सहता इस्लाम ना चला जाए, ये दो अकवाल ही ना चले जाए, वो जिस कलमे पर निजात है, जिस कलमे को सौगात मिली है तुम्हारी रिहाई की, ला इलाहा इल्लल्लाह ना हाथ से चला जाए। और एक बात, कितने टाइम रहेगा, ये ख्याल करना कि परवरदिगार आलम ने ये बोल के कहा है, यार मुझे बताओ ऐ मेरे बंदो, ये कुरान कहता है देखो कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, और मुझे क्या पड़ी है तुम्हें तकलीफ देनी, तुम मेरे हरीफ तो नहीं हो, तुम तो मेरे बंदे हो, मेरे उस बंदे के बंदे हो
کہ جس سے بڑھ کر زمین و آسمان کی غایت ہی کوئی نہیں, تم میرے اس پیغمبر کے ہو, کیا نسبت ہے تمہاری, مجھے کیا پڑے یار تمہیں عذاب دوں. ما کیا فعل اللہ بے عذاب کو, دیکھو کوئی یہ خدا کا قول ہے, مجھے کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دوں. ان شکر تم و آمن تم, اگر تم مجھے یاد کرنے والے ہو اور مجھ پہ ایمان رکھتے ہو تو میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں آج اس وقت بھی کہ تکلیف میں وہی پڑتا ہے جسے اللہ کی محبت نصیب نہ ہو, اللہ کی یاد نصیب نہ ہو, وہی صرف, اور جس کا اپنے رب کریم سے تعلق ہے. ان شکر تم و آمن تم, اگر تم میری یاد کرنے والے ہو اور تم مجھ پہ ایمان رکھتے ہو تو مجھے کیا پڑے یار تمہیں تکلیف دوں. اما یجیب المضطر اذا دعاہ, کون سنتا ہے یار مضطرب کی دعا, بتاؤ اے لوگو, اے میرے بندو بتاؤ کون سنتا ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ, جب تم اضطراب میں دعا کرتے ہو مولوی صاحب سے نہیں ہوتا. دیکھو سن لو, تمہاری تکلیف مولوی کے دل میں نہیں جاتی کہ وہ اسی خلوص سے اللہ سے استخارہ کرے. یہ احمقانہ باتیں نہ کیا کرو, تمہارے استخارے اور کوئی نہیں کر سکتا. جس کو تکلیف ہے اسی کو جواب دیا جاتا ہے. سبحان اللہ, آپ اٹھے ہو جناب کہ جی فلاں جگہ سے استخارہ کرو, پھر وہ آپ کی نیت لے لیتے ہیں کہ اس نے وعدہ توڑنا ہے اس لیے استخارہ ادھر چلا جاتا ہے. یہ یاد رکھو کہ جس کے سینے میں اضطراب ہوگا اسی کو خدا جواب دے گا. جن سے آپ استخارے کرانے جاتے ہیں ان کے سینے میں کون سا اضطراب ہے, 100 روپے کا, 1000 روپے کا, 10000 روپے کا, کوئی کسی کی خاطر استخارہ نہیں کرتا. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, تمہاری برائی کی گرہیں کون کھولتا ہے, ہمارے سوا کون, کوئی جادو تو نہیں کھولے گا, کوئی گلی میں بیٹھا ہوا حساب کتاب والا نہیں کھولے گا. یہ کفر مطلق نہیں ہو سکتا مسلمان سے. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمان الناس السحر. کیا سلیمان کے نام لگا دیتے ہو آپ, حضرت سلیمان میں ایسی کوئی خامی نہ تھی, ان کی تو تسبیح ہے ان ربی غنی کریم, کہ میرا رب مجھے مدد دینے والا, مال عطا کرنے والا, مجھ پہ کرم کرنے والا. بجائے اس کے جادوگروں کے تم سلیمان کی تسبیح کیوں نہیں پڑھ لیتے کہ ان ربی غنی کریم وما کفر سلیمان, سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا, ولکن الشیاطین کفروا یعلمان الناس السحر, شیاطین کفر کرتے تھے اور جو ان سے سیکھتا تھا وہ بھی کافر تھے. اب بیچ میں سے کہانی لے بیٹھیں گے مسلمان, حضور پہ اثر ہوا نا جی, ہم پہ ہو گیا تو کیا ہوا, حضور پہ کون سا اثر ہوا. ایک وقت کا سب سے بڑا استاد, زمانے کا سب سے بڑا استاد اپنی مسند ارشاد پہ بیٹھا تھا. اس وقت 60% کہانت تھی عرب میں, 60% جادو پہ لوگ اعتبار کرتے تھے. اگر 60% لوگ آج ایک استاد کے پاس آئیں اور اس سے پوچھیں یہ کیا ہوتا ہے, اور اگر استاد جواب نہ دے تو کیا کہیں گے, کیا کہیں گے, اس تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر پروردگار عالم نے سحر کو باطن رسول سے نکالا, بتایا ہے میرے رسول یہ سحر ہے, یہ علامات ہیں, یہ ظواہر ہیں, یہ علاج ہے. اور عرش معلیٰ کے نیچے سے حضور نے فرمایا دو چمکتی ہوئی صورتیں مجھے عطا ہوئیں جو تمام سحر کا بطلان ہے, والناس اور فلک. آپ پڑھتے ہو تو آپ کا سحر اتر جاتا ہے, کبھی بھی نہیں اترے گا, اس لیے کہ آپ کو ساحر پہ اعتبار ہے, اللہ پہ کوئی نہیں ہے. آپ تو خدا مانتے ہی نہیں ہو, آپ نے کبھی قرآن خدا کے کلام کتنے پڑھا ہی نہیں ہے. آپ پروردگار عالم کے لیے ایک آنسو بہانا, کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مکھی کے سر جتنا.
अगर तुम खुदा के लिए मक्खी के सर जितना एक आंसू बहाओ और वो ढलक के तुम्हारे रुखसार तक आ जाए तो फिर दोजख की आग तुम्हें छू भी नहीं सकती। एक तरफ कहा ला इलाहा इल्लल्लाह एक मर्तबा दिल से पढ़ लो तुम्हें दोजख की आग नहीं छू सकती। तुम खौफ से निकलो तो मुसलमान हो गए ना यार, मुझे ये बताओ। खौफ तो मत मार देती है, खौफ सबसे बड़ी जहालत है, यह अक्ल को सल्ब कर लेती है। डरते क्यों अल्लाह से? तुम्हें अल्लाह ने कहा डरो मुझसे? अल्लाह ने तो नहीं कहा। अल्लाह ने बता क्या कहा? फज़कुरु लौहा का ज़िक्रकुम आबाकुम औ अशद्द ज़िक्रा, मुझे ऐसे याद करो जैसे माँ बाप को करते। ये डराना है? आप खुद गौर करो, ये खौफ है? जब तुम्हें खुद अल्लाह कह रहा है और नेक भक्तों मुझे डर डूर के ना याद करो, मैं कोई डराता हूँ? एक सूफी मार के ना डरते बड़े थे अल्लाह से। जब हुजूर यजदां पहुंचे तो अल्लाह ने कहा डरते रहो यहाँ भी। और तुझे किसने कहा था? क्या मेरी कोई सिफत याद नहीं आई तुम्हें? मैं रहमान और रहीम और करीम की सिफत से याद नहीं आया तुम्हें? मैं सलाम और मोमिन की सिफत से तुम्हें कभी याद नहीं आया है? तुम्हें सिर्फ मेरा खौफ ही याद है? डरते रहो, इधर भी बैठे रहो, पहले कोने में चले जाओ और बाकी कयामत तक डरते रहो। खातिन हजरात, खुदा मोहब्बत का तकाजा करता। फज़कुरुल्लाह का ज़िक्रकुम आबाकुम, ऐसे याद करो जैसे अपने माँ बाप को करते हो। औ अशद्द ज़िक्रा, हाँ एक बात है कहा, मुझे थोड़ा ज्यादा याद करो। मुझे वो लम्हा किस लिए कहता? यार देखो, मदारज ना भूलो, प्रायोरिटीज ना भूलो। मैं ही अव्वल, मैं ही आखिर था, मैं ही दरमियान में था, मैं ही तुम्हारा बातिन था, मैं ही तुम्हारा जाहिर था। तुमने कहाँ से माँ बाप लिए? मैंने दिए। तुम्हें किसी खानदान पे पैदा किया? मैंने किया। तुम्हें तो पता भी नहीं था, जाओ किसी कम्युनिस्ट से पूछ लो, बड़े दावेदार हो इंसानी आज़ादियों के, उसको पता था उसके माँ बाप कौन है, कहाँ जाएगा, कहाँ उठेगा, कहाँ बैठेगा। जब सारा कुछ मेरे इल्म में था, रिस्क मैंने दिया। तुम कहते हो इज्जत अल्लाह ने दी, फाइनल इज्जत अल्लाह है जमीया, सारी इज्जत अल्लाह के पास है, तुम कहाँ से ढूंढते हो फिर? रिस्क मैंने देना है, तुम कहाँ से ढूंढते हो? फजूल बातें ना करो, कहता है अपसेट बातें ना करो, रूटीन की बात करो। रूटीन तुम्हारे ईमान में है कि हर जर्रा कायनात पे, हर जर्रा दिमाग और दिल पे उसकी हुकूमत है। जब वही तुम्हारे मामलात तय कर रहा है, वही तुम्हें इस्लाम की दौलत से आशना कर रहा है, वही तुम्हें मोहब्बत खुदावंद करीम के लम्हे अता कर रहा है, और किसी के कम शुक्र गुजारो मेरे ज्यादा। केस पेश कर है ना अपना, यार सारी चीजें ही मैंने देनी है। तो मानते भी होगे अल्लाह ही ने सब कुछ देना है, अल्लाह ही ने सब कुछ दिया है, फिर तुम मुझे याद करो ना, मेरा हक ज्यादा बनता है। फज़कुरुल्लाह का ज़िक्रकुम आबाकुम औ अशद्द ज़िक्रा, जरा ज्यादा करो ताकि मुझे बहुत खुशी हो। एक दफा मस्जिद नबवी पे ना तो साहबी गंदी सड़ी खजूरें लटका गया, बस कुछ ना पूछो, वो गुस्सा आया ना रब्बुल आलमीन को, हैं ये क्या? या बात सुनो, बाग मैंने दिया, अच्छे दरख्त मैंने दिए, खजूरें मैंने दी, आप रसानी के तरीके मैंने दिए, मैं तो एक पल में बंदे सभा तोड़ सकता था, तुम्हारा बांध तो नहीं ना तोड़ा, तुम्हारे कारेज तो नहीं तबाह किए मैंने, अब जो खजूर निकली अच्छी खुद खा रहे हो और जो गंदी सड़ी है मेरे नाम पर मस्जिद में लटका दी। खुदा को बड़ा गुस्सा आया, तुमने भी अपनी उम्र जाए कर पागलों की तरह छोटे छोटे रिस्क के लिए सनत व हरफत की आबादियों में ये गुमान करके कि ये मेरी अकल थी जिससे मैंने काम किया, मैंने पैसा कमाया। अगर तुमने सारा पैसा कमाया तो तुमसे जाया क्यों हो जाता है? ये भी तो पूछ के देखो, अगर तुम ही मालिकुल मुल्क हो तो फिर तुम्हारी चीजें जाया क्यों हो जाती हैं? वो दो भाई थे ना, कुरान में जिक्र है ना उनका, एक का बाग बहुत बड़ा बहुत शानदार, एक की मिल उस्तवार,
और दूसरा बेचारा छोटे से दो चार दरख्त लगा के बैठा हुआ था। तो चलते जो उसने अपने भाई का बाग देखा तो उस पर खुश हुआ, तो भाई को कहा है भाई अल्लाह का शुक्र अदा कर, तुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ। उन्होंने कहा कौन सा अल्लाह? ओ यार मैंने मेहनत किया है, कहाँ से नदी तोड़ के लाया हूँ, पानी दिया है, फल दिया है, और ये मेरा कमाल है, ये अजमत फन है, ये जमीनी हकायक हैं, मैंने सब कुछ किया है। रात को एक बदतरीन किस्म की आंधी आ गई, वो जो छोटा भाई था ना उसका दरख्त नीचे था वादी में, इसका ऊपर बड़े मंजिले आम पे था। बस सुबह गुजरा तो घास फूस उजड़े हुए दरख्त गला हुआ फल, कहना हाय अल्लाह मैंने बड़ी गुस्ताखी की हुजूर हक में, बड़ी गुस्ताखी की। इसीलिए कहते हैं जब ज़वाल नेमत का डर हो तो ये जुमला कह लिया करो माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ताकि उस नेमत को ज़वाल ना आए। आदमी हजरात असर मेरा ख्याल है गुजरने वाली हो, तो मैं बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बाद आएंगे आपके सवालों जवाब के लिए, मगर मुख्तसर ये है कि तरजीहात का ख्याल करो। इस ज़मीन व आसमान में कोई अल्लाह से बड़ी तरजीह नहीं है, बाकी सब कम तर दर्जे के अहवाल हैं, कम तर दर्जे की तरजीहात हैं। शराब के पीछे न जाओ, शराब के पीछे सिर्फ एक हकूमत है, अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंजुल मुल्क मिम्मन तशा व तइज्जु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा बियदिका खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तुलिजुल लैला फिन नहारे व तुलिजुन नहारा फिल लैले व तुख्रिजुल हय्या मिनल मय्यते व तुख्रिजुल मय्यते मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशा बगैर हिसाब। कोई चीज़ छोड़ दी अल्लाह ने इसमें? कोई चीज़ नहीं छोड़ी। एक यही आयत पढ़ लिया करो रोज़ाना, कम अज़ कम उसको याद कराया करो। ए अल्लाह आप दिल में भी हो, आप ज़ुबान पे भी हो, आप हमारे जहन में भी हो, ख्वाब व ख्याल में भी हो। ये ख्वाब भी नहीं डराएंगे आपको बुरे बुरे जो बड़े स्टामक से आते हैं, सब चीज़ें रेगुलेट हो जाएंगी। तरजीह अव्वल खुदा के सिवा कोई भी नहीं है, और मुसलमान सिर्फ वो मुसलमान कहलाता है जिसकी अव्वलीन तरजीह अल्लाह होता है। याद है तारिक को जब उन्हें तारिक बिन ज़ियाद को कहा ऐ तारिक उनकी फ़ौज बेपनाह, हम 12,000 लोग, समंदर भी पीछे है, आपने कश्तियाँ जला दी, डोरे मत सवा दे वतन बाज चूरे सेम, वतन से इतनी दूर हैं वापस कैसे जाएंगे, तर्क के सबब ज़रूए शरीयत को जा रवास्त। तो ये जो शरीयत का नुकसान आपने किया है, शरीयत में हलाल है ना रास्ता रखना बचत का, आपने वो भी नहीं छोड़ा। देखो उस मुसलमान की क्या कमेंट है, खंदीद दस्त बुर्द ब शमशीर खीस गुफ्त, अपना हाथ कब्जा शमशीर तक ले गया और कहा हर मुल्क मिल के मौस्त के मिल के खुदाए मौस्त, कि हर मुल्क हमारा है, यूरोप तुम्हारा है, पंजाब तुम्हारा है, सरहद तुम्हारा है, रूस तुम्हारा है, अमेरिका तुम्हारा है, मगर शर्त ये है कि हर मुल्क मिल के मौस के मिल के खुदाए मौस। एक आखिरी जुमला सुन लो, आपका ज़वाल कहाँ है, अरूज कहाँ है, वला ताहनू सुस्ती न करना, वला ताहजनू फजूल गमों में ना पड़ा रहा, परेशानी कोई शाय नहीं अल्लाह के साथ, वला ताहनू वला ताहजनू गम ना करना, मुझे कसम है अपने इज्जत व जलाल की अल्लाह कहता है, व अंतमल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब हो अगर ईमान वाले हो। अगर गलबा नहीं ना मिल रहा जरा इतना ईमान चेक कर लिया करो। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू जी जी खादिम हजरात, ये पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कलमा पढ़ने से दोज़ख हराम हो गई फिर रोज़े महशर हिसाब का मामला क्यों? खादिम हजरात हम में से कोई बख्शने वाला नहीं है,
जिसके जिम्मे हिसाब है वो क्या रियायत देता है। तो एक दफा एक बद्दू आ गया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पूछा या रसूलल्लाह कयामत के दिन हिसाब कौन लेगा। फरमाया अल्लाह खुद। हंस पड़ा, हंस के चल दिया। तो किसी हजूर ने पूछा ये ऐसा क्यों, जरा इसको बुला के लाओ। तो जब बुला के लाए तो पूछा यार ये हंसने की बात है कि खुदा खुद हिसाब लेगा, तो तू ऐसा क्यों। तो उसने कहा या रसूलल्लाह हमने जिंदगी में देखा है कि जब कोई आले ज़र्फ़ हिसाब लेता है तो आसान लेता है, अल्लाह से बड़ा आले ज़र्फ़ कौन है। देखो खादिम हजरात, मसला ये है कि काम क्या था आपका दुनिया में। आपका काम गुनाह सवाब नहीं था, आपका काम कुछ और था। वो कुरान में लिखा हुआ है कि नस्ल इंसान की तख्लीक का एक मकसद जो है, सिर्फ एक मकसद, इन्ना हदैना उस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, कि तुम्हारी तख्लीक का मकसद ये है, तुम्हें ज़मीन पे लाने का मकसद ये है, तुम्हें कान देने का जबान देने का मकसद ये है कि तुम सोचो समझो। इन्ना हदैना उस्सबीला, मैंने रास्ते दिखा दिए, इल्म दे दिया, अब मैंने सिर्फ एक सवाल का जवाब लेना है, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, क्या मुझे मानते हो कि मुझे नहीं मानते। खादिम हजरात ये टॉप प्रायोरिटी का क्वेश्चन है, ये वाहिद क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है कब्र के सहाने। मर रब्बो का, तुम्हारा कौन था, खुदा कौन था। अब आपका मैच किसी से नहीं है। अगर आपने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आप पास ही हो गए, आप इम्तहान में पास हो गए, आपने टॉप प्रायोरिटी का क्वेश्चन हल कर, बाकी नहीं छोटे मोटे नकाइस। इसमें भी एक बड़ा फायदा है, खुदा ने कहा अल्लज़ीना यजतनिबुल कबायर अल-इस्म वल-फवाहिश इल्लल्लाह मामा, अगर तुम बड़े गुनाहों से परहेज करते रहे तो छोटे छोटे तो मैं माफी कर दूंगा, इल्लल्लाह मामा, छोटे छोटे गए ना, ये भी साफ हो गए। अब रह गए तीसरे वाले, वो बहुत बड़े बड़े गुनाह, उन गुनाहों का भी बतदरीज एक सिला है, अगर आप उस काउंटर को लो चले जाओगे तो उनसे भी निजात हो जाए। और फरमाया अल्लाह ने अपने रसूल को कहा कि इनसे कह दो, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो कि सारी चीजें करते जो मर्जी आप गुनाह करो, जितने मर्जी बड़े करो या छोटे करो, एक बड़ा गुनाह न कर बैठना, सबसे बड़ा गुनाह न कर बैठना। और वो क्या है कि मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरी रहमत से मायूस ना होना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये याद रखो कि जो मर्जी तुम करते रहे, मगर ये तभी आएगा ना, अल्लाह पे यकीन मोहकम होगा है? तभी आएगा ना कि सारे तुम खताएं करके एक बड़ी खता ना ला तक न तुम्हें रहमतिल्ला असरफ वाला अनफुसम या कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ वाला अनफुसम, मेरे बंदों को कह दो तुमने बड़े बड़ी गलतियां की, बड़े बड़े गुनाह किए, एक बड़ा गुनाह न कर बैठना। ला तक न तुम रहमतिल्ला, क्यों, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीया, तुम्हारा वो रब है जो तमाम गुनाहों को माफ करता है, छोटे का बड़े का, इन्नहु हुवल गफूर रहीम, मैं तो इसीलिए बख्शिश वाला जाना चाहता हूं। फरमाया कयामत के दिन जब गुनाह पड़े में डाले जाएंगे इतने भारी होंगे कि एक शख्स का पर्दा सातवीं जमीन को जा निकलेगा, फिर अल्लाह कहेगा ये एक चिट है जरा परले पलड़े में डाल दो, फिर वो पर्दा जो गुनाहों वाला था हल्का होके आजमान को उठ जाएगा, और वो पलड़ा जो है उस चिट वाला जमीन पे लग जाएगा। हैरत से देखने जाएंगे इसमें क्या लिखा है, उस पर सिर्फ ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, दिस इज़ द ओनली टॉप प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ टू कीप। और इसीलिए कहा गया कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, कम अज़ कम कब्र पहुँचेगा मुँह से फर फर निकलेगा ला इलाहा, फरिश्ते एक दूसरे में कहेंगे इसका हमने क्या करना है, छोड़ो उसको,
आगे जाने दो, बात सुनो, बख्शिश मैंने नहीं करनी, प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर ने नहीं करनी, किसी मौलवी ने नहीं करनी, हुज्जतुल इस्लाम काबातुल काबैन ने नहीं करनी। जिसने बख्शना है ये उसके अकवाल है, मैं कैसे तुम्हें डरा सकता हूँ, मेरे पल्ले क्या, मैं को अहले हदीस में हूँ, इतना सख्त तो मैं नहीं हो सकता, मैं देवबंद और बरेली का नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, मैंने कुरान पढ़ा हुआ है, मुझे पता अल्लाह क्या कहता है, ये मैंने आपको अल्लाह की बातें सुनाई हैं, मुझे कोई इख्तदार हासिल नहीं है बख्शिश पे, और जिसको इख्तियार हासिल है वो ये कह रहा है। सो डोंट बॉर्डर, इतने ज़्यादा खदशे मत पालो अपने, मगर एक बात बता दूँ, जो सच्चे दिल से एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कह देगा, मुड़ के झूठे दिल से कुछ नहीं कर सके, ये भी बात, फिर वो तुमसे इख्तियार छीन लेगा, तुमसे एहसास निदामत को पैदा भी नहीं होने देगा, तुम अशराफिया में से आ जाओगे जिन्होंने कायनात और ज़मीन पे पैदा होने का मकसद पूरा कर लिया है, फिर तुम्हारी खताएं धो दी जाएंगी। हाँ एक तरीका है, ज़मीन पे जो तुम्हारा मामला है वो नहीं, वो तुम्हें भाई माफ़ करेगा तो कत्ल माफ़ होगा, जिसके पैसे खा गए हो तो उसके लौटाओगे तो देगा, शरा अपनी जगह एक मुस्तहकम सबूत है, गुनाह सवाब का कोई मसला नहीं, मसला ये कि अपने भाइयों में जो तुम्हारे लेन देन है, तुम अगर एक दूसरे को माफ़ कर दोगे तो माफ़ किए जाओगे, वरना लटके रहोगे ज़मीन व आसमान के दरमियान, उस वक्त तक आप पाबंदे यानी कैद और सिन रहोगे जब तक कि आप अपने भाइयों के हक पूरे नहीं कर लेते। दूसरा सवाल है कि 7 ज़मीनें पैदा की गई हमारे आका, क्या सिर्फ इस ज़मीन के लिए हैं? कुरानी जवाब होता है ना, तो 7 ज़मीनों का मालिक कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन का जिक्र है, और पैगंबर का क्या जिक्र है? वमा अरसलना का इल्ला रहमतल आलमीन, वही आलमीन जो अल्लाह के हैं सब के लिए रहमत, रहमतल आलमीन है। सो एवरीवेयर ही इज, वेरेवर देयर इज गॉड देयर इज प्रॉफिट, वेरेवर देयर इज गॉड, अल्लाह ने उस बंदे के लिए तो सारे जहान का वक्त डाला हुआ है, है? अगर वो ज़मीन पर मोहम्मद कहलाते हैं और आसमान पर अहमद, तो इन दो लफ्ज़ों के अलावा तो दास्तान कायनात ही कोई नहीं है। उसने अपने रब की ऐसी तारीफ की कि उसने अपने बंदे की तमाम जहानों में तारीफ फैला दी, आसमानों पे वो अहमद हैं, ज़मीन पे मोहम्मद, एक ज़मीन पे नहीं, वो यता वो कुरान हकीम में अल्लाह कहते हैं कि इन सारी ज़मीनों में मेरा हुक्म होता है, वो यता नज़ुलुल अम्रु बैनहुन्ना, और अमर कुरान है, जहाँ कुरान है वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। थोड़ी सी बातें आपकी समझ से बाला हो जाए, हाउ कैन समबडी एग्जिस्ट ऑन 7 अर्थ, हाउ कैन, मगर फिक्र न करो, जदीद तरीन साइंस ने बहुत सारे ऐसे कुलिये दरियाफ्त करेंगे, एक एटम जो है पूरी कायनात में नज़र आता है, और एक ही एटम जो है 7 कायनातों में नज़र आता है, एक वजूद है जो सारी ज़मीनों पे हावी है, और एक कायनात है जो सब उसे खराज अकीदत पेश करती है, और खुदा वंदे करीम ने अपने बंदे को भी। मगर एक बात याद रखने के काबिल है कि कोई ऐसा यानी ना हो जाए कि हम बंदे को खुदा की जगह देनी शुरू कर दें। जिस तरह खुदा वाहदहू ला शरीक है, रसूल की मोहब्बत भी वाहदहू ला शरीक है, फरमाया अल्लाह के रसूल ने, ना जब तुम्हारा ईमान पूरा नहीं होगा जब तक मेरी मोहब्बत हर चीज़ से तुम्हें दिल में बढ़कर नसीब ना होगी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, या रसूलल्लाह आज के बाद आप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज हैं। आपसे ज़्यादा तो ये आपके यूरोपियों ने ये नुक्ता पढ़ लिया, उन्हें पता है मुसलमान हर किस्म की चोट खा सकता है, मोहब्बत रसूल पे खम नहीं होता। याद नहीं इकबाल ने क्या कहा था, वफा का कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये इसीलिए कहा था, CIA को बेहतर बताया कि रसूल की मोहब्बत नहीं जाएगी तो मुसलमान मार नहीं खाएगा। वो बड़ी बड़ी साजिशें करें, नित नए पैगंबर उठा देते हैं,
रोज एक पैगंबर नया घड़ा होता उन्होंने कि चाहे ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह से किसी तरीके से पीछे हट जाए। आपने देखा नहीं कितनी मूवमेंट्स उतनी हैं, कितने पैगंबर उठते हैं, कितने मुसलहीन कौम उठते हैं जो आखिर में कहते हैं, बड़े बड़े नामवर उलमा बज़ाहिर मसीहाए कौम बन के आते हैं मगर आखिर में वही कि रसूलुल्लाह से गलती हो सकती है, है जी, फलां से गलती हो सकती है, और हुजूर के नाम को नीचा करके अपने नाम को बड़ा करते हैं। ऐसे बदबख्तों से गुरेज करना। ये क्वेश्चन है कि अदबी लिहाज से कुरान मजीद की कौन सी बात है कि अरब के शौरा ने अपना कलाम फाड़ दिया। हाजुन हजरात, मैं अरब नहीं हूँ और गैर अरब कभी भी अरबी समझ नहीं सकता। मैं तो उन लोगों में से हूँ शायद थोड़ा बहुत कि खुदा के रसूल ने फरमाया कि अगर इल्म औज सुरैया पर भी हो तो कोई अजमी उसे उतार लेगा। हमारी तो ये तारीफ कही, मगर एक बात बड़ी वाजे है कि अरब जो है बलागत और फसाहत दोनों में लाजवाब थे, और कुरान हकीम जैसे उनके पहले सबा मुअल्लकात जो लटकाए जाते थे काबा के ऊपर, सात कसायद जो उस वक्त के अरब के मोतबर तरीन थे वो काबा के साथ लटकाए जाते थे, तो जब कुरान आया तो उन सब कसायद को उतार दिया। किसी ज़बान की बंदिश, उसकी साख्त, उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, उसकी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आवाज़ को, अरबी वो ज़बान है कि ऊँट के बच्चे के पैदा होने से उसके जवान होने तक उसके 132 नाम हैं, 132 नेम्स। इस सिंपल ग्रोथ के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर लेंगे तो इतनी वसी और इतनी बड़ी ज़ुबान में कुरान का आना और पर्टिकुलरली चैलेंज करना, और इसको मुसलमा कज़ाब ने कहा मुझ पे वही उतरती है, तो उसके नायब ने कहा ज़रा सुना तो सही तुझ पे क्या वही उतरती है, तो उसने कहा तालाब के किनारे मेरे झिंगरों की आवाज़ मुझे आई और मेंढक टर्रा रहे हैं कि तू नबी है। वो बड़ा फसी समझा प्रिंस। तो इस किस्म के जवाब आते रहे बट फाइनली दे फेल्ड, फाइनली दे फेल्ड। और कुरान की अदबी अकली अहमियत सिर्फ एक बात से गौर कर लो, सिर्फ खुदा कहता है कि मैंने कुरान की एक आयत जो उतारी है ये ज़मानों के हिसाब से उतारी है। खाली ये नहीं कहा कि अरब के लिए है, इसमें बेशुमार आयात ऐसी जो अहले अरब के लिए नहीं थी, और वो तमाम ज़मानों के परख के लिहाज से आज भी कोई ज़ुबान अगर मतरूक हो जाए या पुरानी हो जाए तो आपको 200 साल पुरानी हो जाए तो आपको उसको समझ नहीं आती। कुरान इसलिए बहुत बड़ा, बहुत बड़ी लैंग्वेज है। मैं आपको अंग्रेज़ी सुना सकता हूँ आज से 200 बरस पहले की, आपको कभी नहीं समझ आएगी उस अंग्रेज़ी की। वन दैट अप्रिल विद शूरी सुट्टा द ड्रिफ्ट ऑफ मार्च हैथ पर्सिस्टेड टू द रुट्टे एंड बाइटेड एवरी वीन इन स्विश लकूर ऑफ विच वर्ल्ड टू एंजेंडर्ड इज द फ्लोर। ये 200 साल पहले की अंग्रेजी, चौसीरियन इंग्लिश है। आप में सवाए अंग्रेजी अदब के कोई प्रोफेसर हो तो वो समझेगा, और किसी को समझ नहीं आएगी। मगर क्या अरबी आज समझ नहीं आती? अरबी का एक एक लफ्ज काबिल फहम है, एक एक जमाने के लिहाज से लिखी गई है। वो दावा करें ना करें, अहले अरब सियाने थे, जस्टिस वाले थे, उनको अपनी और इस जुबान में फर्क नजर आ गया। मैं आज ये कह सकता हूँ कि एक एक जुमला अरबी का जो है, जब हम उसे अपनी अदबियत से देखते हैं, दुनिया भर के लिटरेचर की नज़र से देखते हैं, तो वो इतना बलीग जुमला होता है, इतना खूबसूरत जुमला होता है कि हम ये कहते हैं कि ओनली साइंसेस कैन अटर सच लैंग्वेज। वजालना मिनल माई कुल्ल शैन हय, और मैंने तमाम हयात को पानी से पैदा किया। कोई ट्रांसलेशन सवाय सर जेम्स जीन के, जिसने बाद में रिसर्चेज में साबित किया कि ऑल लाइफ इज क्रिएटेड आउट ऑफ वाटर। अब जरा मिला के देख लो, वजालना मिनल माए कुल्ला शैन, एक लफ्ज़ फालतू नहीं,
एक लफ्ज जायद नहीं, वजालना और पैदा किया, मिनल माय पानी में से, कुल शैन हई तमाम हयात को जो जिंदा है। और जेम्स जी ने कहा ऑल लाइफ इज क्रिएटेड आउट ऑफ वाटर, उसमें जुमला रह गया था, उसमें एक रह गया, मगर कुरान का जुमला पूरा है। अब देखो खुदा ने कहा वसखर शम्स वल कमर वल नजूम मुसखरातुम बिअम्र, फिर कहा कुल यजरी इला अजल मुसम्मा, तमाम चल रहे हैं वक्ते मुकर्रत तक। जब ट्रांसलेशन हुए अंग्रेजी ने क्या कहा, एवरी थिंग इज मूविंग इन द यूनिवर्स, मगर एक बिलागत रह गई, एक हिस्सा रह गया। देखो उतने जुमला कुरान ने बोला कुल यजरी लअजल मुसम्मा, हर चीज चल रही है वक्ते मुकर्रा तक, एवरीथिंग इज मूविंग इन द यूनिवर्स, क्या रह गया आप खुद सोचो क्या रह गया उस स्टेटमेंट से, इलाजल मुसम्मा वक्ते मुकर्रा तक। उस छोटे से जुमले में द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स इज देयर, और बेहतरीन साइंसदानों के जुमले में आधा हिस्सा रह गया, ये खूबी है उसमें। तो अरब कैसे कायल ना होता है, ये सवाल है कि बेदत क्या है, बेदत की इमामत और लीडरी कबूल करनी, बेदत कंफर्म होगा तो लीडरी होगी जी, बेदत सैया भी होती है, बेदत हसना भी है, अच्छी बेदत भी है। हाँ एक तारीफ हो सकती है जो असूल दीन को मिटाती है, जो चीज या जो असूल दीन के खिलाफ जाती है, और असूल दीन ईमान है और कुरान है, और वो पांच शरायत हैं जिन पे आपका दीन, अगर कोई भी बेदत इनको छूती हो तो उसको हम बेदत कहते हैं, जो असूल दीन को मुअत्तल करे या मुअक्कफ करे। बाकी तमाम जिद्दतें बेदत हैं, और तमाम चाहे वो लिबास में हो, चाहे रंग रूप में हो, चाहे अंदाजे मुआशरत में हो या मीशत में, उनका बेदत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब इस मैं कहता हूँ कि इस माशरे में जहाँ आप शलवार कमीज पहनो, अगर अरबी इमामा पहन के चलोगे तो ये बिदत होगी, और जब उस पर मजाक उठेगा तो मजीद बिदत होगी। तो वो काम करो जो जैसे कुरान हकीम है, हर जमाने में उसकी तफसीर जुदा है, हर माशरा अपनी तरतीब को अलहदा रखता है, अपने मैनर्स को मैटर्स को अलहदा रखता है, इसलिए वो बिदतें नहीं कहला जाती जो रोज़मर्रा के मसाइल से उठती हैं। जब हुजूर के पास उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास कहा तुम्हारी वो किधर गई गुलामा, फरमाया या रसूलल्लाह आज उसके घर शादी है, फरमाया तुमने गाने वालियाँ नहीं भेजी, फरमाया या रसूलल्लाह मैंने सोचा आप नाराज़ होंगे, फरमाया ये तो रस्म व रिवाज है। क्या बिदत का मतलब नहीं समझ रहे कि रस्म व रिवाज बिदत में नहीं आते, फरमाया ये तो रस्म व रिवाज है, शादियों पे गाना हंसना खेलना तो इन चीजों से फजूल मना करना, इन बातों को मजहब का हिस्सा बनाकर लोगों को गुनाह और सवाब की कशमश में दाखिल करना, ये बहुत बड़ी बेदत है। दे हैव टू डू नथिंग, अल्लाह आपको जिंदा रहने के, अल्लाह बेजा दबाव नहीं डालता। जो पैगंबर अलैहिस्सलाम आपको कह रहे हैं कि हर वक्त मजहब की बात ना करो, जब लोग मूड में सुनने के तब सुनाया करो, जरूरी नहीं हर दरवाजे पे जाके आपने एक ही मिशन पकड़ा हुआ, 12 बजे चलते हैं बकरी पार्क ले जाओ खुदा के लिए, बहुत सारी जगहों पे ले जाते हो, कभी कभी किसी साथ यारों को कोई कोई प्ले हाउस में ले जाओ, और कुछ नहीं तो पल्ले से कोई फिल्म ही दिखा दो। अभी एक आखिरी सवाल है, अच्छा ये सवाल है कि रूहानी तरक्की और माली तरक्की एक दूसरे की बिल्कुल नहीं, वरना 1350 बरस मुसलमानों की हुकूमत क्यों होती, आज अपनी 100 साल मशक्कत 60 साल मशक्कत को देखकर आप ये समझते हो मुसलमान बड़ा था, अजीम तरीन था, रिचेस्ट पॉसिबल था, एक वक्त होगा दुनिया पे सिर्फ 3 बड़े बादशाह थे और सारे छोटे छोटे उनके जैसे कासा लेस थे,
سلطان جلال الدین محمد اکبر ہندوستان پہ حکمران تھا، سلطان عباس اعظم ایران پہ سارے اعظم تھے، اور سلطان سلیمان اعظم جو ہے ایشیا مائنر کا کنگ تھا، ساری دنیا کی اس وقت ان کے تابع دار تھے، حکمت و عزت میں بھی بڑے تھے، شان و شوکت میں بھی بڑے تھے، مگر آپ لوگ جو ہے نا، آپ اب امیر ہونے والے ہیں، اپنا خیال کرنا تھا. یہ آخری سوال ہے صاحب. موت کا آپ نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ موت کا تعلق رزق سے ہے، عمر سے نہیں. یہ سچ ہے؟ نہ کھائے گا تو مرے گا نا جی. ہاں جی، جب تک کھاتا رہے گا اس وقت وہ جیے گا. یہ جو عمر کا تعلق ہے یہ بدل سکتی ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ لوگ جس شخص کے لیے جس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی حیات کی دعا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے خدا زمین کی عمر آدھا دن اور بڑھا دے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کتنی؟ فرمایا 500 برس. عمر گھٹتی بڑھتی ہے چاند کی طرح. رزق مختص ہوتا ہے، جتنا کھانا ہے بس اتنا کھانا ہے. سو ایک اور بات آخری بڑی مزے کی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جلدی رزق نہ کماؤ، تیزی میں نہ جاؤ، ورنہ عمر گھٹ جائے. اگر آپ کو اللہ نے 2 کروڑ دینے ہیں اور 10 سال میں دینے ہیں تو 1 سال میں کھا لو گے تو پھر عمر نہیں بڑھے گی. اس لیے رزق کو فائنلٹی حاصل ہے. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ابھی تشریف رکھیں آپ، پھر 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیں. میں گزارش کروں گا جناب سعید حسن صاحب سے اسٹیج پر تشریف لائیں، اور کسٹم ایجنٹ کو فیصلہ بات کی جائے. جناب صفدر علی صاحب آپ سے بھی گزارش ہے تشریف لائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری اعلان سنتے چلیں خواتین کے لیے اور مہمان نے گرامی جو کشمیر کے آفیسر ہیں، چاہے موٹرس کے آفیسر ہیں یا جو گوگر صاحب کے ساتھ مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام اس طرف کیا گیا ہے، اور باقی جو آباد ان کے لیے صرف کھانا ایک طرح کا ہے، صرف انتظامات کو کنٹرول کر کے جی دعا بھی کنٹرول کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے. تو باقی دوست آباد سارے اس طرف کھانے کے لیے جائیں گے. اور میں گزارش کروں گا جناب سید اسد صاحب سے کسٹم ایجنٹ گروپ کی جانب سے، یہ سوینئر ہے پروفیسر صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے. پروفیسر صاحب درخواست پر تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے لیے کسی اعزاز سے کام نہیں ہے. بہت شکریہ بھائی. انکل سلام علی دعا کرنا میں بھائی اور گزارش ہے کہ چنتا پر تشریف رکھیں اور دعا میں شامل ہوں. اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پروفیسر صاحب کی دعا کروائی جائے. اللہ تعالیٰ ان پر معاملات جو ہیں جو حاجات ہیں وہ پوری فرمائے. یہ اپنے رشتوں پر تشریف رکھیں. یار ہم راہمین، یار ہم راہمین، یار ہم راہمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. اللہم انا اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ 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 لا الہ الا هو رب العرش العظیم. دعا مانگ لیجئے دل میں جو بھی مانگو. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم آسنا عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی دنیا و عذاب الاخرت. اللہم انا نعوذ بکا من شرورہم و ندعو بکا فی نحورہم. اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک فانہ لا یملک الا انت. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی و انقطاع عمر. اللہم انا اعوذ بکا من البرص والجنون والجذام و سیل الاسقام.
اللهم رب النبي محمد نغفر لي ذنبي واذهب قيس قلبي واجرني مزلات الفتن ما يشتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه كلما ذكرك الذاكرون. اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. وسلم تسليما كثيرا. اللهم آمين آمين آمين. Thank you very much. I'm very thankful. Mm-hmm.